बहुत ही अजीब से लग रहे हैं, बिल्कुल कंडीशनर तो अप्लाई किया नहीं है फिर आपके बाल। मुझे इतना हेयर फॉल हुआ है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल ऑलरेडी देख लिया है, आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ममा अर्थ का न्यूली लॉन्च्ड एग फ्लैश शैम्पू और उनके कंडीशनर का रिव्यू। सो गाइज, इस रेंज को यूज करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक से ऊपर हो चुका है, इसलिए आज इस रेंज का इन डेप्थ डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑल्सो गाइज, मैंने इसकी फर्स्ट और सेकेंड वीक की कुछ क्लिप्स भी शूट की हैं, मैं वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। उसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं ऐसी रिव्यू वीडियो डालूं आपके पास उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच सके। सो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इसे क्यों परचेज किया था। ममा अर्थ का जो राइस वाटर शैम्पू है उसे ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और मैं चाहती थी कि मैं उसे चेंज करूँ, क्योंकि अभी जैसे मॉनसून चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बाल ड्राई से और फ्रीजी से रहने लगे हैं, इसलिए मैं अपना शैम्पू चेंज करना चाहती थी। इसके अलावा भी मैंने और भी 3-4 शैम्पू ट्राई किए हैं जो कि कुछ खास वर्क नहीं किए मेरे लिए। तो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग से। तो यहाँ पर आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, इसकी जो शैम्पू और कंडीशनर दोनों की बॉटल है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल डिटो सेम है। ऑल्सो अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो गाइस 349 ईच ये आपको पड़ जाएगा, यानी कि कंडीशनर भी 349 रुपीस का है और शैम्पू भी 349 रुपीस का है। और अगर इन दोनों की नेट क्वांटिटी की बात की जाए तो दोनों ही में ही आपको 250 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। और अगर शैम्पू और कंडीशनर की कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो गाइज यहाँ पर आप सबसे पहले इसकी शैम्पू की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। शैम्पू की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है, बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का है, इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं है। ऑल्सो अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसकी फ्रेग्रेंस, बहुत ज़्यादा हार्श और ओवर पावरिंग फ्रेग्रेंस नहीं है इसकी। और यहाँ पर आप कंडीशनर की भी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल बेसिक कंडीशनर्स होते हैं बिल्कुल वैसी इसकी कंसिस्टेंसी है, और कलर नॉर्मली जैसा व्हाइट होता है बिल्कुल वैसा ही है। तो गाइस, शैम्पू और कंडीशनर के दोनों के इंग्रेडिएंट आपको इनकी जो बॉटल्स हैं वहाँ पर मिल जाएंगे, और ऑलमोस्ट दोनों की जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं सेम हैं। सो गाइस, शैम्पू और कंडीशनर के एक्चुअल एक्सपीरियंस से पहले मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाना चाहूंगी। मैंने फर्स्ट क्लिप में यानी कि फर्स्ट वीक में इसे विदाउट कंडीशनर यूज किया है, और सेकंड वीक में मैंने इसे विद कंडीशनर यूज किया है। उन क्लिप्स में गाइस मैंने दिखाया है कि इसे इस शैम्पू को विद और विदाउट कंडीशनर यूज करने के बाद मेरे बाल कैसे लग रहे थे। सो सबसे पहले आप वो क्लिप्स देख लीजिए। मैंने आज ममा अर्थ का ये एग फ्लैश शैम्पू पहली बार यूज किया है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे बाल सेमी ड्राई हो चुके हैं, हल्के हल्के से गीले हैं, प्रॉपरली ड्राई नहीं हुए हैं। और अगर मैं आपको बालों का टेक्सचर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बाल कितने ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं। और अगर मैं आपको अपने एंड्स दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ड्राई और बहुत ही अजीब से लग रहे हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा टैंगल हैं मेरे बालों में, ये देखिए। सो गाइज, आज है वीक सेकेंड, और सेकेंड वीक में मैंने ममा अर्थ के इस शैम्पू के साथ इसका ये कंडीशनर भी यूज़ किया है, और आज मैंने कंडीशनर भी अप्लाई किया है। और अगर मैं अभी दिखाऊं तो अभी भी मेरे बाल हल्के हल्के डैम हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हल्के हल्के गीले हैं। स्टिल कंडीशनर के बाद भी बाल हल्के हल्के ड्राई फील हो रहे हैं। और मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी, ड्यूरिंग हेयर वॉश मुझे काफ़ी हेयर फॉल भी हुआ है, जो कि मुझे फर्स्ट वीक में भी हुआ था और इस वीक भी हुआ है। और अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये आप मेरे एंड्स देख सकते हैं, मेरे एंड्स स्टिल काफ़ी ज़्यादा ड्राई फील हो रहे हैं, करने में सॉफ्ट ज़रूर फील हो रहे हैं बट ये स्टिल ड्राई ही हैं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हैं कंडीशनर यूज़ करने के बाद भी। और गाइज, अगर मैं हेयर फॉल की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे इतना हेयर फॉल हुआ है सेकेंड वीक में हेयर वॉश करने के बाद, और फर्स्ट
वीक में भी मुझे इतना ही हेयर फॉल हुआ था जो कि यूजुअली मुझे नहीं होता है। सो गाइज अभी आपके सामने ही मैं कॉम करके भी दिखाती हूँ कि कंडीशनर करने के बाद भी ये आपके बालों में कितने ज़्यादा टैंगल्स हैं। ये देखिए तो गाइज मेरे अलावा मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स ने भी ये शैम्पू यूज़ किया है और उन्होंने भी मुझे ये बताया है कि इसे यूज़ करने के बाद उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और उनके भी बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी कॉम में कितने ज़्यादा बाल हैं और ये जब मैंने कॉम की है उसके बाद की ये आपको क्लिप दिखा रही हूँ। ऑल्सो गाइज मैं आपको फ्लोर भी दिखाती हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्लोर पर भी कितने सारे बाल हैं। सो इसे यूज़ करने के बाद मुझे एक्सट्रीम हेयर फॉल हुआ है। ऑल राइट गाइज, जैसा कि आपने ऑलरेडी क्लिप्स देख ही ली हैं और आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं क्या कहने वाली हूँ, बट स्टिल मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बता देती हूँ। सो गाइज मैंने फर्स्ट वीक में अप्लाई किया तो मैंने अपने बालों में किसी भी तरीके का इसका कोई कंडीशनर अप्लाई नहीं किया था। मैंने अपने बालों में अच्छी खासी ऑयलिंग कर रखी थी इसीलिए मैंने कंडीशनर अप्लाई नहीं किया था। उसके बाद भी गाइज जब मेरे बाल सूख गए थे तो बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहे थे। इवन कि जब मेरे बाल हल्के हल्के डैम थे तभी पता चल गया था कि ये काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग है। ऑल्दो गाइज मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई साइड पर नहीं है, मैं ज़्यादातर अपने बालों में ऑयलिंग करती रहती हूँ तो इतना ज़्यादा ड्राइंग बाल नहीं है मेरे, बट क्योंकि मॉनसून है तो थोड़े से फ्रीजी से और थोड़े से डल से हो गए थे। इवन कि जब मैंने अपने बालों में कॉम की थी तो मेरी कॉम भी फंस गई थी बालों में, बिल्कुल भी अच्छे से कॉम भी नहीं चल रही थी, इतने ज़्यादा टैंगल्ड और ड्राई हो गए थे मेरे बाल। और ऑल्सो गाइज मैंने आपको क्लिप में आई थिंक दिखाया है कि जब मैंने हेड वॉश किया था तब मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था। इवन कि जब मैंने अपने बालों में कॉम की थी तब भी मुझे इसे यूज़ करने के बाद हेयर फॉल हुआ था और जब मैंने इसे सेकेंड टाइम यूज़ किया या थर्ड टाइम यूज़ किया तो मुझे स्टिल अभी भी इसे यूज़ करने के बाद हेयर फॉल हो रहा है। सो गाइज इसलिए अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसे परचेज करें, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली कोई हेयर फॉल के इश्यूज़ नहीं है क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल भी डिटैंगल नहीं हो रहे थे। तो मैंने बहुत सारा सीरम लगाया अपने बालों में और फिर जाके मैंने अपने बालों में कॉम की। और अगर सेकेंड वीक की बात करूँ तो गाइज मैंने सेकेंड वीक में इसका कंडीशनर भी अप्लाई किया था। मेरे बाल सूख गए थे तो सूखने के बाद बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहे थे, तो गाइज कंडीशनर भी अप्लाई करने के बाद मुझे फिर से अपने बालों में अच्छा खासा सीरम अप्लाई करना पड़ा, फिर जाके मेरे बाल थोड़े से टेम डाउन और थोड़े से स्मूथ हुए। सो गाइज टोटल मैंने इसे 4 बार यूज़ कर लिया क्योंकि मैं वीक में 2 दिन अपने बालों को वॉश करती हूँ। सो जब से मैंने इसे वॉश करना शुरू किया है मुझे हेयरफॉल भी होना स्टार्ट हो गया है और ऑल्सो गाइज मुझे अपने बालों को डिटेंगल करने से पहले अच्छा खासा सीरम भी अप्लाई करना पड़ता है। तो आई थिंक इस कंडीशनर का भी क्या फ़ायदा अगर इसे यूज़ करने के बाद भी आपको अच्छा खासा सीरम अप्लाई करना पड़े आपके बालों को डिटेंगल करने के लिए। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा कंडीशनर्स वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादातर अपने बालों में ऑयलिंग ही यूज़ करती हूँ। मैंने अपने बहुत से वीडियोस में बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा कंडीशनर्स अवॉइड करती हूँ, बट फिर बहुत से कमेंट्स आ जाते हैं कि आपने कंडीशनर तो यूज़ किया नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेंज कैसी है। इसलिए गाइज मैंने इसका शैम्पू और कंडीशनर दोनों परचेज किए थे ताकि फिर से लोग ये ना कहें कि आपने कंडीशनर तो अप्लाई किया नहीं है फिर आपके बाल कैसे स्मूथ रहेंगे या फिर आपके बाल कैसे शाइनी रहेंगे। बट कंडीशनर यूज़ करने के बाद भी मैंने आपको इफेक्ट दिखाया था, कंडीशनर यूज़ करने के बाद भी आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी सिल्की स्मूथ नहीं होते हैं। सब बात करते हैं रिकमेंडेशन की, तो गाइस अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है इस टाइम तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसे परचेज करें और इसे यूज़ करें, क्योंकि मुझे हेयर फॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इसे यूज़ करने के बाद मुझे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी। सेकेंडली गाइज अगर आप इसे इसलिए परचेज कर रहे हैं कि ये क्लेम करता है कि आपके बालों को शाइन प्रोवाइड करेगा, स्मूथ करेगा, क्योंकि इसके अंदर एग है जिसकी वजह से इसे मैंने परचेज किया था, तो वजह से भी मैं आपको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि आपके बालों को सॉफ्ट शाइनी स्मूथ बिल्कुल नहीं बनाता है। सो इसलिए गाइज मैं इस ममा अर्थ के एक्सप्रेस शैम्पू और कंडीशनर रेंज को आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आपको हेयर फॉल के इश्यूज हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आपके हेयर फॉल को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसलिए गाइज जब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस की है, इसीलिए मैं आपको ये शैम्पू बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। सो आई होप गाइज आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल तो जरूर रहेगा। सो जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।